अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ़ाइज़ा वसीम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट दी वेल नॉन एंड पॉपुलर डेटा मॉडलिंग टूल्स के हवाले से, जो कि आप डेटा माइनिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप डेटा माइनिंग के लिए कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर आपको समझ में नहीं आ रहा कौन सा यूज़ करना है, क्योंकि जब हम गूगल करते हैं तो हमारे सामने एक लिस्ट शो हो जाती है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आपको गूगल रिकमेंड करते हैं कि आप माइनिंग के लिए ये टूल्स मॉडलिंग टूल्स यूज़ कर सकते हैं। बट आज की इस वीडियो में आप लोगों को वेल नॉन और पॉपुलर डेटा मॉडलिंग के टूल्स चार बताने वाली हूँ, जिनको आप यूज़ करके माइनिंग टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हो और डेटा मॉडलिंग कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो सब और बात करते हैं सबसे पहले टूल के बारे में, जो कि हमारे पास है वीका। वीका जो टूल है हमारे पास, बेसिकली इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड मशीन लर्निंग टूल, जो कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ है। किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? न्यूजीलैंड के अंदर ये टूल डिस्कवर हुआ था, इंट्रोड्यूस करवाया गया था वेकिटो यूनिवर्सिटी की तरफ से, ठीक है। इसके अलावा आप डेटा माइनिंग की डिफरेंट क्लासीफायर्स, क्लस्टरिंग, माइनिंग एसोसिएशन रूल माइनिंग के सारी टेक्निक्स वीका टूल के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, फाइन। इसके अलावा ये टूल बेसिकली यूज़ क्यों होता है? दिस सॉफ्टवेयर यूज फॉर प्रोडक्शन के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो, फाइन। प्रोसेसिंग के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो, मॉडलिंग के लिए, विजुलाइजेशन के लिए एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। ये फोर आप कह सकते हैं टास्क या चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए आप वीका टूल को यूज़ कर सकते हो। आप अपने डेटा की प्रोडक्शन करनी है, आपको डेटा की प्रोसेसिंग करनी है, डेटा की मॉडलिंग करनी है, विजुलाइजेशन करनी है, या फिर अपने डेटा को एनालाइज करना है, इन चार पर्पज़ के लिए आप वीका टूल आराम से यूज़ कर सकते हो। अच्छा, अगर हम GUI की बात करें, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑफ वीका टूल इज़ वेरी वेरी अंडरस्टैंडेबल, स्मूथ, सिंपल एंड वर्क्स ऑन दी हाइपोथेसिस। आप जब इसको यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना इंटरेक्टिव इसका जो GUI है, बहुत सिंपल है, बहुत अंडरस्टैंडेबल है, और आप इसको यूज़ करके ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट टूल की अगर मैं बात करूँ, जो कि आप डेटा माइनिंग के लिए, डेटा मॉडलिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, वो है हमारे पास रैपिड माइनर। रैपिड माइनर जो हमारे पास टूल है, बेसिकली ये फ्री और ओपन सोर्स हमारे पास टूल है, ठीक है। प्रिडिक्टिव एनालिसिस सॉफ्टवेयर है हमारे पास, दैट इज़ रिटन इन अगेन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वीका भी हमारे पास जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर है, और साथ में हमारे पास रैपिड माइनर की बात करें तो दिस इज़ ऑल्सो रिटन इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था रैपिड माइनर, उन्होंने ही इसको इंट्रोड्यूस करवाया, और इस सॉफ्टवेयर का नाम भी रैपिड माइनर ही जो है वो रखा गया। इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द रिसर्चर्स टू परफॉर्म, क्या क्या काम कर सकते हैं यहाँ पर आप, प्रिडिक्टिव एनालिसिस, ठीक है। इसके अलावा एकेडमिक रिसर्च वगैरह अगर आपको करनी है वो आप कर सकते हैं, फाइन। मशीन लर्निंग ML जिसको कॉल करते हैं, या फिर डीप लर्निंग के सारे काम आप यहाँ पर, DL यहाँ पर मैंने टाइप किया लिखा है, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग आप रैपिड माइनर के ऊपर आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट टूल की अगर मैं बात करूँ तो वो है हमारे पास ऑरेंज। ये हमारे पास एक और मॉडलिंग टूल है, यूज्ड बाय वेरियस रिसर्चर्स, किस लिए? फॉर मॉडलिंग एंड माइनिंग डेटा, ऑल्सो गुड फॉर द डेटा विजुलाइजेशन। अच्छा, डेटा माइनिंग के लिए भी आप ऑरेंज को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आपको क्या करना है, डिफरेंट रिसर्चर्स इस टूल को यूज़ करते हैं, क्यों क्यों यूज़ करते हैं, अगर उन्हें अपने डेटा की मॉडलिंग करनी होती है, या फिर डेटा की माइनिंग करनी होती है, या फिर डेटा की विजुलाइजेशन करनी है, तो वो ऑरेंज टूल को यूज़ करते हैं। अच्छा, यह हमारे पास एक ओपन सोर्स टूल है, ठीक है। किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है? फॉर प्रोडक्टिंग द टास्क। अच्छा, ये कौन सी लैंग्वेज के अंदर हमारे पास रिटन है? अगर हमने प्रीवियस दो टूल्स की बात करें, वीका और रैपिड माइनर, तो ये हमारे पास जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर था, बट ये हमारे पास अगर हम ऑरेंज की बात करें तो ये हमारे पास पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर रिटन है, फाइन। दिस सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स डिफरेंट
components or widgets which helps the researchers for the evaluation of data mining algorithms. जब आप इसका GUI जाके विजिट करेंगे तो आपको सारा जो है वो components और widgets मिलते हैं जिनको यूज़ करते हुए आप अपनी मॉडलिंग जिनको यूज़ करते हुए आप अपना सारा काम जो है वो परफॉर्म कर सकते हो और साथ में डेटा माइनिंग एल्गोरिथम्स की इवेल्यूशन भी कर सकते हो. लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हमारे पास माइनिंग एल्गोरिथम है माइनिंग डेटा माइनिंग के लिए जो टूल है वो है हमारे पास K9. अच्छा K9 इज़ अनदर माइनिंग टूल जिसको आप यूज़ करते हो किस किस पर्पज़ के लिए. फॉर डेटा एनालिसिस, फाइन, फॉर बिजनेस फॉरकास्टिंग, बिजनेस फॉरकास्टिंग, डेटा रिपोर्टिंग एंड सो ऑन. अच्छा ये जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया था बाय K9.com AG. अब कौन कौन से फीचर्स ये हमें प्रोवाइड करता है ये सॉफ्टवेयर, ये हमें स्केलिंग एफिशिएंसी एंड क्विक डेवलपमेंट आर रियली अमेजिंग. यहाँ पर जितनी भी आपके पास आप कह सकते हैं कि माइनिंग के टास्क है वो आप इजीली परफॉर्म कर सकते हो. ठीक है, यहाँ पर आप अपने डेटा की विजुलाइजेशन, डेटा मॉडलिंग वगैरह कर सकते हो. अच्छा ये चार जो मैंने टूल्स की बात की है विका, रैपिड माइनर, ऑरेंज एंड K9, सिर्फ और सिर्फ ये ही नहीं है, बाकी और भी टूल्स अवेलेबल हैं मार्केट में जिसके थ्रू आप डेटा माइनिंग टास्क परफॉर्म कर सकते हो. बट ये वेल नोन और पॉपुलर टूल्स हैं जिनको आप ईजिली यूज़ कर सकते हो. अच्छा इसके अलावा इट इज़ ईजी टू यूज़ ये वाले टूल की अगर मैं बात करूँ K9, इट इज़ वेरी ईजी टू यूज़ टूल दैट कैन बी यूज फॉर द विजुलाइजेशन एंड द एनालिसिस ऑफ डेटा. आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. इस वीडियो में हमने चार टूल्स के हवाले से बात की है, K9, ऑरेंज, रैपिड माइनर और वीका. वीडियो से रिलेटेड अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा, कोई क्यूरी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं. इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा. डेटा माइनिंग से रिलेटेड और भी लेक्चर्स हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप उनको भी वॉच करके अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हो. अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.